ये तो आप सब जानते ही हैं कि 29 जून को सिनेमाघर में गिप्पी ग्रेवाल एंड सोनम बाजवा की मूवी कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज हुए 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज हुए 13वां दिन चल रहा है, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री की नंबर 1 मूवी बन चुकी है, जिस मूवी ने अपने पहले दिन सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी ने पहले 12 दिन में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, और ये मूवी आज अपने 13वें दिन कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, और इस मूवी का बजट क्या था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिट साबित हुई या फ्लॉप। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी में हमें गिप्पी ग्रेवाल एंड सोनम बाजवा लीड रोल में देखने को मिले थे। अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 4,55,00,000 की नेट कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने अपने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड 10,72,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था 10 करोड़ और इस मूवी को 800+ स्क्रीन में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस मूवी के पहले 11 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने पहले 11 दिनों में इंडिया से 35,65,00,000 की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 11 दिन में वर्ल्ड वाइड 83,71,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के 12वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने 12वें दिन 1,12,00,000 की नेट कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 12 दिनों में इंडिया से 37,63,00,000 की नेट कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 12 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी ने पहले 12 दिन में वर्ल्ड वाइड 86 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें आज की, तो आज कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी आज अपने डे 13 के दिन 99,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। इस तरह इस मूवी ने पहले 13 दिनों में इंडिया से 37,50,00,000 की नेट कलेक्शन कर रही है। इस मूवी का बजट था 10 करोड़। इस मूवी ने पहले 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड 86 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकते। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। कैरी ऑन जट्टा 2 के पार्ट ने 58 करोड़ की वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बाकी आप लोगों की क्या राय इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।